दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट के सेलर पैनल पर जब आपको जीएसटी रिपोर्ट जो होती है आप डाउनलोड करते हैं और उस जीएसटी रिपोर्ट के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, यानी कि जो जीएसटी रिपोर्ट आपने फ्लिपकार्ट के सेलर पैनल से डाउनलोड की है और उसी के अंदर और आप जीएसटी पोर्टल पर जब आप अपना चेक करते हैं, आपको TCS जो इसमें रिसीव्ड होता है उसकी एंट्री में अगर डिफरेंस होता है तो उस केस में आप अपनी रिपोर्ट को जो है किस तरह से ठीक करेंगे। तो फ्लिपकार्ट का ये मेरा पहला ही केस है। पिछले 3 सालों के अंदर मेरे को जो GST की रिपोर्ट होती है कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई भी इशू नहीं आ इसमें मेरे को देखने को मिला, लेकिन पहली बार मुझे ये चीज़ हो रही है कि GST पोर्टल पे मुझे डाटा अलग इसमें देखने को मिल रहा है और जो GST की रिपोर्ट मैं फ्लिपकार्ट से डाउनलोड कर रहा हूँ उसके अंदर मुझे डाटा मेरा मिसमैच हो रहा है। तो यहीं पर मैं आपको अपना जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वही आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा कि GST की जो रिपोर्ट होती है आपको इसमें किस तरह से ठीक करेंगे और उसको चेक करने का प्रोसेस क्या है वो भी मैं आपको इसके अंदर पूरा कंप्लीट बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये रिपोर्ट मैंने अभी मेरे जो मेन प्लेटफॉर्म है जैसे आप देखेंगे अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, ग्लो रोड पे और मीशो पे, तो यहाँ पे ये 4 मेरे प्लेटफॉर्म है जिसपे कि मैंने अपना जो रिपोर्ट होती है GST की वो मैंने इसमें डाउनलोड की है। डाउनलोड करने के साथ ही अमेजोन की रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगा अभी, इसकी रिपोर्ट ओके है। फ्लिपकार्ट के अंदर देखो यहाँ पर जो है थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है और कितना डिफरेंस है वो भी मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। ग्लो रोड की रिपोर्ट है वो मेरी ओके है, मीशो की रिपोर्ट है वो भी मेरी ओके है। तो ये रिपोर्ट आप किस तरह से तैयार करेंगे मैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर इसकी मैं काफ़ी डिटेल से आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर इस तरह की रिपोर्ट अगर आपको जनरेट करनी होती है तो उसका क्या प्रोसेस है। तो यहीं पर मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ फ्लिपकार्ट, ये फ्लिपकार्ट का मेरा अपना सेलर पैनल है और इसके अंदर मैं अपने दिसंबर मंथ की जो GSTR मुझे फाइल करनी है, हालांकि मैं फाइल कर चुका हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे 11 तारीख लास्ट डेट होती है GSTR1 फाइल करने की। तो यहाँ पर GST जो होते हैं रिपोर्ट के लिए आपको क्या करना होता है फ्लिपकार्ट में मैं बता रहा हूँ, फ्लिपकार्ट के अंदर यहाँ पे फ्लिपकार्ट का सेलर पैनल है और इसमें आपको रिपोर्ट्स पे क्लिक करना होता है और यहाँ पे होता है रिपोर्ट सेंटर। तो रिपोर्ट सेंटर पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे टैक्स रिपोर्ट होता है, टैक्स रिपोर्ट के अंदर GST रिटर्न फाइल, इसमें आप देखेंगे कि 1 दिसंबर 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक की रिपोर्ट जो है यहाँ पे मैं जनरेट कर चुका हूँ। अब मैं इसको डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया तो डाउनलोड करने पर ये एक एक्सेल की फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाती है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये मैंने अभी डाउनलोड की है और जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो ओपन करने पर आपको जो GST की रिपोर्ट होती है उसमें आपको ये चीज़ें देखिए, स्टार्टिंग के अंदर हेल्प की पूरी इंडेक्स दी हुई है। इस सीट के बारे में भी मैं अपनी जो प्रीवियस वीडियोस होती है उसमें डिटेल में मैं आपको बता चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सेक्शन 7A2 GSTR1 की। इस सीट के अंदर क्या होता है कि आपकी जो लोकल सेल होती है, लोकल सेल का डाटा आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे लोकल सेल जो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे होता है कि ग्रोस टैक्सेबल वैल्यू यानी कि आपकी टोटल सेल कितनी होती है और यहाँ पे अगर आपकी कोई रिटर्न आती है तो रिटर्न ये दिखा देता है और एग्रीगेट टैक्सेबल अमाउंट, तो यहाँ पर आप एग्रीगेट टैक्सेबल अमाउंट देखेंगे। इसको मैं नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे मेरी सेल हुई लोकल सेल 674 रुपये की, यानी कि मेरी लोकल सेल है। इसमें जो CGST है 6% और SGST 6%, यानी 12% का इसमें GST का स्लैब है। तो ये तो हो गया मेरा लोकल सेल। अब लोकल सेल के अलावा आपके जो इंटर स्टेट होते हैं उसकी सेल को देखने के लिए होता है सेक्शन 7B2 GSTR1। ये वाली जो शीट होती है ये आपके इंटर स्टेट की जो सप्लाई होती है उन सब की पूरी स्टेट वाइज आप देखेंगे पूरी समरी फ्लिपकार्ट में आपको देखने को मिलती है। तो मैं इसका थोड़ा सा आपको व्यू ठीक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाली जो रिपोर्ट है, अब इसके अंदर यहाँ ये वाला कॉलम तो हो गया टोटल आपकी ग्रोस सेल यानी टोटल आपकी सेल कितनी हुई है और इसके बाद आपकी रिटर्न कितनी आई है, कौन कौन से स्टेट वाइज आप देखेंगे कि टोटल रिटर्न कितनी आ गई और एग्रीगेट आपको ये एग्रीगेट देखना है इसके अंदर। तो एग्रीगेट के अंदर आप देखेंगे कि टोटल आपका एग्रीगेट सेल जो होती है यानी कि टोटल सेल में से रिटर्न को लेस कर देते हैं तो ये वाला जो कॉलम होता है आपकी सेल और रिटर्न का लेस करने के बाद में एग्रीगेट टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो इसको भी मैं जो है कन्वर्ट कर देता हूँ, ये नंबर के अंदर मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपकी हो गई इंटर स्टेट की रिपोर्ट। अब यहाँ पर मैं अगर इसकी टोटल करता हूँ, यहाँ पे लोकल सेल जो है मेरी लोकल सेल के अलावा यहाँ पर देखिए स्टेट वाइज है। अगर मैं कुछ पल के लिए स्टेट को मैं इधर लेके आ जाता हूँ
इस कॉलम से पहले मैं स्टेट ले लेता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट कट सेल, और ये जीएसटी का जो स्लेब है इसको भी मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं लोकल सेल है मेरा दिल्ली की सेल है वो भी इसके अंदर मैं लेके आ जाता हूँ। जो दिल्ली की सेल है वो यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर है, और यहाँ पे अमाउंट इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के साथ सेक्शन जो अपना बी है इसी के अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। और इसमें जो ये जीएसटी का स्लेब था वो 12% था, तो ये 12% को मैं इसी में से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। अब अगर मैं इन सब की टोटल करता हूँ, टोटल जैसे मैंने एल्ट के साथ में इक्वल करके यहाँ पे टोटल करता हूँ, तो आप देखेंगे 17,000 की टोटल यहाँ पे सेल आ रही है। अब 17,000 की सेल यानी फ्लिपकार्ट ने मेरे को जो रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि 17,000 की ये टोटल मुझे सेल दिखा रहा है, जिसमें कि लोकल सेल भी इंक्लूड है। अगर मैं यहाँ पर एग्रीगेट मेरी सेल की बात करूँ, ग्रोस सेल जो होती है इसको भी मैं यहाँ पर नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ, टैक्सेबल जो रिटर्न इसकी, क्योंकि पोर्टल पर मैं आपको अभी चेक कराऊँगा ये चीज़ कन्वर्ट टू नंबर। इसके अंदर जो मेरी ग्रोथ सेल हो रही है इसको मैं लोकल सेल इसमें शामिल नहीं हो रही है, यहाँ पर मैंने इसको बोल्ड किया और इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ। तो ये मेरी सेल हो रही है 31,646.75 रुपये की जीएसटी की रिपोर्ट यानी फ्लिपकार्ट ने जो मुझे दी है, और रिटर्न इसमें दिखा रहा 15,308.44 रुपये। अब यहाँ पर इसमें लोकल सेल इंक्लूड नहीं है अभी, क्योंकि लोकल सेल को मैंने इसमें अलग से यहाँ पे एंटर अभी कॉपी पेस्ट किया है। तो अब मैं आपको पोर्टल पे दिखाता हूँ कि पोर्टल पे मेरे को रिटर्न कितनी आपको इसमें देखने को मिलती है, इसमें डिफरेंस कितना है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने जीएसटी पोर्टल पे, ये जीएसटी पोर्टल है, मैंने लॉगिन किया हुआ है, और इसमें आपको अपनी जीएसटी रिपोर्ट चेक करने के लिए मैं हर बार अपनी वीडियो के अंदर आपको यही कहता हूँ कि आपको यहाँ पे जब भी जीएसटी पोर्टल आप लॉगिन करते हैं तो सर्विसेज होता है, सर्विसेज के अंदर यहाँ पे रिटर्न्स होता है, और रिटर्न्स के अंदर होता है TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव, आपको इस पर क्लिक करना है। और इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, सबसे 23-24 में सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे दिसंबर का मंथ है क्योंकि मुझे अपनी दिसंबर मंथ के जो है वो रिकॉर्ड चेक करना है। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ सर्च, और सर्च में अब आपको यहाँ पे करना प्रिपेयर ऑनलाइन TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव के अंदर यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन आपको सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद में अब आपको यहाँ पे लेना है TCS क्रेडिट रिसीव, आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे 1, 2, 3 और 4, सबसे पहले अमेज़ोन है, अमेज़ोन की यहाँ पे आ गई रिपोर्ट, फैशनियर मीशो होता है, फ्लिपकार्ट की रिपोर्ट हो गई, और ये सोसीफाई जो होता है ये अपना ग्लोरूड होता है। सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ अमेज़ोन की, जो रिपोर्ट मैंने अभी तैयार की है, तो अमेज़ोन के अंदर आप देखेंगे ये दिसंबर 2023 की रिपोर्ट है, और इसके अंदर 27,823.06 रुपये यानी अप्रॉक्स 27,800 की इसमें सेल होती है, और रिटर्न आ जाती है 6,000 की, और एग्रीगेट यहाँ पर निकल के आ जाता है 21,466.12 रुपये। तो अमेज़ोन की अगर रिपोर्ट मैं आपको दिखा देता हूँ तो आप देखेंगे कि अमेज़ोन की मेरी रिपोर्ट आ रही है 21,466.12 रुपये, ये रिपोर्ट मेरी बिल्कुल ठीक है। अब वापस मैं आ जाता हूँ पोर्टल पे, और यहाँ पे दिखाता हूँ आपको फैशनियर मीशो की जो है 17,465, तो 17,465 मीशो की रिपोर्ट भी ओके है। और इसके बाद आ जाते हैं फ्लिपकार्ट के अंदर, यहाँ पे दिखा रहा 22,000 की सेल है, 22,006 रुपये की एग्रीगेट। तो अब यहाँ पर अगर मेरी जो सेल आ रही है फ्लिपकार्ट में आ रही है 17,012 रुपये की टोटल, इसमें लोकल सेल भी इंक्लूड हो गई। तो अब यहाँ पर अगर देखते हैं कि जो 17,012 रुपये की सेल आ रही है, और यहाँ पर जो है इन्होंने मेरी सेल दिखा दी 22,000 की, तो अप्रॉक्स इसमें जो है 5,000 का मुझे डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ग्लोरोड की रिपोर्ट अगर मैं दिखा देता हूँ आपको, तो ग्लोरोड के अंदर आपको देखने को मिल रहा है 1,116.34 रुपये, तो ग्लोरोड की रिपोर्ट आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ओके है। तो तीन प्लेटफॉर्म की रिपोर्ट मेरी ओके है, लेकिन फ्लिपकार्ट की रिपोर्ट अगर आप चेक करते हैं तो इसमें आ रहा है 7,012.41 रुपये। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना होता है, दो तरीके हैं दोस्तों आपको जीएसटी रिपोर्ट के। तो सबसे पहले जो फ्लिपकार्ट ने रिपोर्ट आपको दी है, यानी कि फ्लिपकार्ट ने आपको जो टोटल सेल रिपोर्ट अगर आप ये देते हैं, ये भी फ्लिपकार्ट ने ही आपको दी है, तो एक मेथड तो ये होता है कि फ्लिपकार्ट की इस रिपोर्ट को आप अपनी जीएसटी रिपोर्ट जो है GSTR1 के अंदर इसी समरी को आप एंटर करके अपना GSTR1 फाइल कर सकते हैं। और सेकंड वाला मेथड जो होता है, मैं आपको रिकमेंड फर्स्ट वाला नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने आपको यही बताया था कि अगर आप यहाँ पे जीएसटी पोर्टल पे आप 17,000 की अगर सेल दिखाते हैं, क्योंकि जीएसटी रिपोर्ट आप देखेंगे कि फ्लिपकार्ट ने आपको 17,000 की सेल दी है, और यहाँ पे TCS आपका जो है 22,000 का लगता है, तो उस केस में अगर आप यहाँ पे 17,000 की जो GSTR1 फाइल करते हैं, तो उस केस में इन फ्यूचर के लिए कभी भी अगर आपको ITC जो
नोटिस अगर आपको इशू होता है तो गवर्नमेंट के केस में क्या होता है, अगर नोटिस आपको रिसीव हो जाता है तो नोटिस रिसीव होने के बाद आपको क्या करना होता है कि उस केस में विद पेनल्टी के साथ में आपको पे करना होता है गवर्नमेंट को 18% जो है पेनल्टी इसमें लगती है, इंटरेस्ट भी आपको उस दिन से यानी जिस मंथ से आपको जो है अगर इसमें आपने लाइबिलिटी अगर आपकी ज़्यादा बनती है और आपने कम की GST R1 फाइल की है तो आपको जो है उस केस में 18% का जो है आपको इंटरेस्ट देना होता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा सेकंड वाला जो ऑप्शन जो मैं आपको बताने वाला हूं वो चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूंगा। और इस केस में आपको क्या करना है, सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो यहां पर जो सेल आ रही है यानी 17,012.41 रुपये की सेल आ रही है, तो ये वाली जो सेल है समरी की रिपोर्ट आ रही है 17,012.41 रुपये। तो इसी की रिपोर्ट को मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि इसको आप करेक्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये जो सेल आपकी आ रही है 17,012 रुपये जिसमें कि दोनों इसमें इंक्लूड है, तो आप ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके इसके अंदर जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना इसमें आपको लेना है। तो सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट के अंदर ये टोटल जो सेल आ रही है मैंने मास्टर आपको यही लेना है, डाटा आपको इसी हिसाब से प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि 203.94 रुपये आपका TCS है और 8.06 रुपये ये आपके दोनों सेंट्रल और स्टेट टैक्स देखेंगे, सेंट्रल टैक्स है स्टेट टैक्स है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि डाटा आपका यही 22,006 रुपये आपका आपको सेल दिखानी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, लोकल सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए ये जितना भी आपका TCS जो लगता है वो 1% होता है। 1% से मतलब होता है कि आप यहाँ पर आएंगे और इसी के अंदर जैसे 8.06 और 8.06, अब यहाँ पर अगर इसको आप इंटू करते हैं इक्वल के साथ में इसको आप 100 से इंटू कर देते हैं और यहाँ पे मैंने वापस कंट्रोल डी मैंने किया रिपीट, तो ये चीज़ आप देखेंगे और दोनों को मैं सम कर देता हूँ इसको भी और इसको भी, तो यहाँ पर आप देखेंगे 612 रुपये की आपकी लोकल सेल निकल के आ जाती है। ये आपकी लोकल सेल है, तो ये लोकल सेल हो गई। अब लोकल सेल के अंदर भी ये क्या होता है कि लोकल सेल में आप देखेंगे अभी कि यहाँ पर 12% की सेल तो फ्लिपकार्ट ने दिखा दी। 12% का मतलब क्या होता है कि मैंने अभी आपको जो GST रिपोर्ट आपको दिखाई थी फ्लिपकार्ट की, इसमें आप देखेंगे कि दिल्ली की यहाँ पे 12% की आ रही है 674.10 रुपये, ये रिपोर्ट आपकी इसमें आ गई है। तो इसमें से अब आपको क्या करना होता है कि जो लोकल सेल है यानी जो 674 रुपये कुछ अमाउंट आपको आ रहा है उसमें से आपको ये लेस करना है। जैसे मैं दिखा देता हूँ लोकल सेल 674.10 रुपये ये वाला जो अमाउंट आपको है इसमें से उस अमाउंट को लेस करना है। यानी कि इस डाटा को भी मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके वापस मैं पोर्टल पे आ जाता हूँ और यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, ये जो होता है अब इसमें से लोकल सेल में से आपको क्या करना होता है इसको लेस करना है। जो आपकी 1600 की टोटल सेल है उसमें से ये अमाउंट आपको लेस कर देना है। तो अब ये वाला अमाउंट आपको क्या करना होता है 18% के हिसाब से आप उसके अंदर एंटर कर दें। 18% का मतलब होता है 937.90 रुपये। तो इस एंट्री को आपको पोर्टल से मतलब कि ये एक्स्ट्रा आपको ऐड करनी है आपकी फ्लिपकार्ट में। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस डाटा को मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अब ये फ्लिपकार्ट के अंदर आपको ये ऐड करना है। मैं जैसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे दिल्ली है इसी के नीचे मैं कॉलम इंसर्ट कर देता हूँ, राइट क्लिक करके इंसर्ट होता है यहाँ पे डाउन, और ये वाला डाटा जो मैंने कॉपी किया था इसको मैं यहाँ कर देता हूँ पेस्ट। डाटा ये वाला नहीं है, मैंने 900 रुपये कुछ था तो ये वाला ही लेना है, ये 937 रुपये इसको आपको कॉपी करना है और जो मैंने कॉलम इंसर्ट किया था दिल्ली के नीचे अभी फ्लिपकार्ट में वहाँ पर आपको इसको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर आपको इसको पेस्ट करना है, तो पेस्ट में आपको ऐसे वैल्यू करना है पेस्ट स्पेशल क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ओनली। तो 937.90 रुपये का यहाँ पे आ गया और 18% आपको यहाँ पे लेना है GST का स्लैब और ये फ्लिपकार्ट। तो ये तो हो गया आपका लोकल सेल, यानी लोकल सेल का कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया आप लोगों को। अब इसी के अंदर आपको बाकी का जो रेस्ट अमाउंट है, अब रेस्ट अमाउंट से मतलब होता है कि 937 ये तो लोकल सेल हो गई, अब इसमें बाकी का जो अमाउंट होता है यानी कि लोकल सेल को मैं मिला देता हूँ, इसको भी मैंने प्लस किया और इसके साथ में इसको भी मैंने प्लस कर दिया, तो 1612 रुपये की यहाँ पर टोटल ये सेल आ गई। और अब आपको यहाँ पर क्या करना होता है कि जो टोटल आपने सेल अभी दिखाई थी यहाँ पर, अब उसके अंदर जो 22,000 की जो सेल आ रही है
तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है कि जो अमाउंट यहाँ पे जीएसटी पोर्टल पे आपको दिखता है, जैसे जीएसटी पोर्टल पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पर 22,006 रुपये हैं, तो ये भी आपको इसके अंदर कहीं नोट करना है। तो यहाँ पर मैं 22,006 रुपये, यहाँ पे ये आपकी टोटल जो है जीएसटी की मतलब सेल यहाँ पे आ गई। अब इसमें से आप क्या करेंगे कि जो टोटल आपका अमाउंट आ रहा है, मैंने लोकल सेल को भी इसमें शामिल कर दिया, अब लोकल सेल भी शामिल हो गई है और यहाँ पर ये अमाउंट मेरा अपडेट हो गया है। तो अब इसमें से 22,000 जो है इसमें से आपको लेस कर देना है ये वाला अमाउंट, और अब आपके सामने रेस्ट अमाउंट बच गया 4,055 रुपये 69 पैसा। तो ये वाला जो होता है, अब इसमें से आपको ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप 12% इसमें जीएसटी लेंगे या इसमें 18% लेंगे। तो मेरी तरफ से रिकमेंड आपको यही होगा कि यहाँ पर आप 18% जो जीएसटी होती है वो आप इसमें से लें, क्योंकि सरकार के पास अगर टैक्स आप एक्स्ट्रा जमा कर देते हैं तो किसी भी तरह का कोई इश्यू नहीं होता है, लेकिन अगर आपने कम टैक्स कर लेते हैं और उस केस में आपको दिक्कत हो सकती है। तो मैं रिकमेंड आपको करूंगा 18% का जो है आपका, अगर परसेंटेज जितना ज़्यादा होता है तो वो हमेशा इसमें सेलेक्ट करें। और यहाँ पर आप इसका एडजस्टमेंट आप कैसे करेंगे वो चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये 18% का जो ये वाला अमाउंट है आपका 455 रुपये 69 पैसा। अब यहाँ पर जो भी फ्लिपकार्ट का कोई सा भी स्टेट होता है, क्योंकि आपको IGST दिखाना है इसके अंदर, ना कि CGST SGST आपको नहीं दिखाना, ये IGST अमाउंट है। तो IGST अमाउंट होता है, तो IGST के अंदर आपको क्या करना है, तो कोई किसी भी स्टेट के अंदर, तो यहाँ पर मैं जैसे फ्लिपकार्ट के अंदर आता हूँ, कोई सा भी एक स्टेट आप ले सकते हैं जिसमें कि 18% का इसमें, जैसे फॉर एग्जाम्पल आसाम के अंदर हो गया 655 रुपये 59 पैसा। तो यहाँ पर वो वाला अमाउंट जो भी निकल के आया था 4,055 रुपये 69 पैसा, तो इसी को जैसे मैंने कॉपी किया और आसाम के अंदर फर्स्ट वाला जो फ्लिपकार्ट का था उसी के अंदर मैं इसको यहाँ पे जैसे मैंने कर दिया पेस्ट स्पेशल में जाके एज ए वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू आ गया। अब इसमें जो होता है, अब मैं क्या करूँगा, ये वाला अमाउंट इसमें ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे ऐड करने के लिए क्या होगा, आप जैसे इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ पे इसको प्लस कर देंगे, या आप जैसे चाहें वैसे भी आप इसको प्लस कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी इशू नहीं है। यहाँ मैनुअल आप एंट्री कर देता हूँ मैं, क्योंकि इस कॉलम को मैं डिलीट करूँगा, 4,055.69, तो यहाँ पर हो गया, और इस वाले कॉलम को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर मेरा क्या हो गया, एंट्री मेरी कंप्लीट हो गई। अब रिपोर्ट में मैं समरी आपको दिखा देता हूँ, समरी के अंदर आप डाटा देखेंगे तो यहाँ पर 22,006 रुपये का जो है कम्प्लीट ये यहाँ पे हो गया। इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैंने इसको भी येलो कलर में कर देता हूँ। तो अब मैं इसको अगर बोल्ड करके आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने बोल्ड कर दिया तो अब ये समरी मेरी जो है पोर्टल से मैच हो गई। मैच होने के साथ ही बाकी का अगर ये डाटा है, अब मैं इस डाटा को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अब इसका कोई मतलब नहीं है, समझाने के लिए मैंने आपको बताया था, और नो फील कर देता हूँ मैं इसको। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे रिपोर्ट मेरी कंप्लीट हो गई है, और कंप्लीट होने के साथ ही अब जो टोटल यहाँ पे फ्लिपकार्ट की मैंने दिखाई थी 22,006 रुपये है, तो इसमें पोर्टल के अंदर भी अगर आप चेक करेंगे तो 22,006 रुपये की आपको यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है, 22,006 रुपये। तो दोस्तों ये कुछ आपका मैंने बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है कि जो जीएसटी की जो रिपोर्ट होती है फ्लिपकार्ट की, जब पोर्टल के अंदर आपको इस तरह से मिसमैच अगर डाटा आपका हो जाता है, तो उस केस में ये जो प्रोसेस है आपको फॉलो करके अपनी जो जीएसटी रिपोर्ट होती है उसको आपको ठीक करना होता है, और ठीक करने के बाद ही जीएसटी पोर्टल पर आपको जो है अपनी GST R1 फाइल करनी होती है। तो यहाँ पर 22,006 यानी कि जो रिपोर्ट आपको यहाँ पर मिलती है, यानी कि TCS क्रेडिट रिसीव जो होती है, ये समरी आपको हर महीने की 10 तारीख को यानी कि 9 और 10 तारीख के बीच में आपको अपडेट मिल जाती है। इसी बेस से आप अपनी जो GST पोर्टल पे जो डाटा यानी जिस कंपनी की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाता है, अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट या मीसो, क्योंकि फ्लिपकार्ट के साथ अब तक मेरा इस तरह से कोई भी मिसमैच नहीं हुआ था डाटा, लेकिन ये पहला ही ऐसा केस था जिस केस के अंदर कि मेरे को 5,000 तक का इसमें डिफरेंस देखने को मिला है। तो जो दोस्तों प्रोसेस होता है, फर्स्ट प्रोसेस होता है कि आप इसकी जो फ्लिपकार्ट की जो रिपोर्ट, आप GST रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं, उस डाउनलोड करके उसको भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आपको सेकेंड जो ऑप्शन मैंने आपको बताया था, उसी ऑप्शन को आप कंटिन्यू रखें, और यहाँ पर जो जितना अगर लाइबिलिटी आपकी कम बनती है तो कम को ना करके लाइबिलिटी थोड़ी सी आपकी ज़्यादा बनती है, तो कम के केस में क्या होता है कि आपको कोई भी नोटिस अगर इशू होता है उस केस में आपको पेनल्टीज जो है
पोर्टल पे भरनी होती हैं। तो उससे बचने के लिए मैं रिकमेंड आपको यही करूँगा कि हमेशा जो भी इसमें TCS के अंदर जो एंट्रीज आपको देखने को मिलती है उसी अकॉर्डिंग अपनी रिपोर्ट का सेटलमेंट करें और अपनी GSTR1 को फाइल करें। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।